Hey friends, this is Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel E-commerce Scholar. Today's topic is Scientific Management Techniques by Taylor. आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है कि Scientific Management Techniques which was propounded by F.W. Taylor. तो आइए जानते हैं सारे के सारे टेक्निक्स को. There are 9 techniques. साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर. फर्स्ट वन इज फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने क्या कहा था कि फैक्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. एक था प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्लानिंग डिपार्टमेंट इज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ओनली. इसमें हम कह सकते हैं कि इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन टू डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एज टेलर फेल्ट दैट वर्कर्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल द बर्डन्स ऑफ प्लानिंग एंड दे मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन. तो वर्कर्स अपने काम और प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दें और मैनेजमेंट अपना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के ऊपर ध्यान दे. तो ये बात बोली थी किसने? टेलर ने. अब इन्होंने इसके बेसिस के ऊपर बॉसेस थे. फंक्शनल फोरमैनशिप में देर आर 8 बॉसेस. तो 8 बॉसेस को भी दो पार्ट में इन्होंने बांट दिया था. एक था आपका अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा इन्होंने बोला था ऑपरेशनल डिपार्टमेंट. अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी इन्होंने 4 बॉसेस बांटे थे. एक था रूट क्लर्क जिनका काम क्या था, फिक्स अप द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉर परफॉर्मिंग मैकेनिकल एंड मैनुअल जॉब. दूसरे थे इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. अब इनका काम क्या था कि इनका काम था गिविंग जनरल इंस्ट्रक्शंस नेसेसरी टू कैरी द जॉब इन अ स्पेसिफाइड मैनर. ये इंस्ट्रक्शन का काम करते थे कि वर्कर्स को कैसे काम करना है और ये इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे. जो हमारे तीसरे थे वो थे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क. और ये क्या करते थे, ये टाइम सेट करते थे, फिक्स अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर एवरी जॉब. तो ये टाइम सेट करते थे. और लास्ट वन थे डिसिप्लिनेरियन. अब इनका काम क्या था, परफॉर्मेंस ऑफ जॉब इन ऑर्डिनरी एंड सिस्टमैटिक वे. तो ये डिसिप्लिन को मेंटेन करते थे. अगले थे ऑपरेशनल डिपार्टमेंट. अब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में भी 4 बॉसेस थे. पहले थे गैंग बॉस. अब गैंग बॉस का काम क्या था, गैंग बॉस का काम था अरेंजेस ऑल द मशीन्स एंड टूल्स अदर रिसोर्सेज रिक्वायर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब. तो गैंग बॉस का काम क्या था कि जो भी मशीनरी टूल्स की रिक्वायरमेंट है काम को कंप्लीट करने के लिए गैंग बॉस पूरा का पूरा वो अरेंज करते थे. दूसरे थे स्पीड बॉस. अब स्पीड बॉस क्या काम करते थे, स्पीड बॉस का काम था अश्योर्स टाइमली कंप्लीशन ऑफ जॉब. स्पीड बॉस काम क्या करते थे कि जो भी जॉब दिया गया है उसको टाइमली कंप्लीट किया जाना चाहिए. रिपेयर बॉस. थर्ड वन इज रिपेयर बॉस. अब रिपेयर बॉस इज रिलेटेड टू मशीनरीज और टूल्स की उनका रिपेयर होना चाहिए, वो वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए. कि रिपेयर बॉस ऑलवेज एंश्योर्स मशीन्स एंड टूल्स आर केप्ट इन अ वर्किंग कंडीशन. और जो लास्ट वाले थे वो थे इंस्पेक्टर. अब इंस्पेक्टर का काम क्या होता था, इंस्पेक्टर का काम ये होता था कि चेक ऑन द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द आउटपुट, जो भी आउटपुट बना है उसका क्वालिटी कंट्रोल. तो ये थे फंक्शनल फोरमैनशिप. अगर हम इसके आगे की बात करें तो ये फंक्शनल फोरमैन थे जिसमें फैक्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, प्रोडक्शन और प्लानिंग. प्लानिंग को मैनेजमेंट कहते हैं. और उसके बाद भी इन्होंने बोला था कि फैक्ट्री के अंदर 8 बॉसेस होने चाहिए, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन क्लर्क, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में भी 4 बॉस, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर. अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज एम्फेसाइजेज ऑन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हर एक काम का एक स्टैंडर्ड फिक्स करने की बात की जा रही थी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के हिसाब से, कि जहां पे भी जो भी काम होगा वो उस बेसिस पे होगा. एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया था, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे होगा. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ द स्टैंडर्ड इज मेंटेन. अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे. अब यहां पे आगे हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड बट इट ऑल्सो रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, टाइप, वेट मेजर्स एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. तो इसका मतलब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क से भी रिलेटेड है और उसके साथ साथ क्वालिटी स्टैंडर्ड, साइज, उसके बाद टाइप था, वेट था, वेट ऑफ जो भी आप प्रोडक्ट हैं, उसके बाद मेजर्स, क्वालिटी, एवरीथिंग, ये सारी चीजों से रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑफ वर्क था. ऑब्जेक्टिव क्या था स्टैंडर्डाइजेशन का, टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो एक प्रोडक्ट लाइन जो है वो फिक्स टाइप की हो, साइज का हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम हो. टू अलाउ इन
changeability of manufactured parts and output among different departments and branches, to maintain quality standards, to set a performance standard of man and machine. तो ये सारी की सारी standardization of work का part थे. Third one is simplification of work. Simplification of work में हम कह सकते हैं the principal emphasis on elimination of unnecessary diversity of product size and types. Simplification of work का मतलब ये है कि आप फालतू की सामान producing मत करो जिसकी market में कोई demand ही नहीं है. आप ऐसे सामान बनाओ जिसका market में बहुत demand है. अपने सारे main resources, जो भी आपकी resources है, उसको एक जगह पे आप focus करो. As more varieties means more inventory, more type of machinery, more labor, etc. So by simplifying the task, there can be economy in the use of machine, labor, inventory, maintenance, etc. It will also help in improving the quality and reduction in cost. The simplification of work, in spite of making 5 different products, prepare or produce only 3 products which are very necessary or jiski demand market mein bahut zyada hai, kyunki 5 mein agar aap 2 aise product bana rahe ho jiski market mein koi demand nahi hai, to aap you are wasting your resources. तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क हर एक चीज के लिए सिंपल कर दिया गया इन्होंने. अगला फटीक स्टडी. फटीक स्टडी में कह सकते हैं दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. फटीक का मतलब होता है थकावट, कि एक वर्कर काम कर करके कितनी देर में थक जाता है. तो इन्होंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला क्या था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, मतलब जैसे स्कूल में ब्रेक मिलता है, लंच ब्रेक मिलता है, तो कितनी देर के बाद मिलता है. तो वैसे वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको भी टाइम की जरूरत है, उनको भी रेस्ट की जरूरत है, तो कितने टाइम पे उनको रेस्ट मिलना चाहिए. तो पहला उन्होंने बोला था फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. दूसरा इन्होंने बोला था ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स. ड्यूरेशन का मतलब कितने टाइम के लिए इनको रेस्ट मिलना चाहिए, मतलब अगर 2 बार रेस्ट दे रहे हैं तो कितनी कितनी देर पे आप कितने कितने टाइम पीरियड के लिए रेस्ट देंगे. और तीसरा था द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, कि सुबह से लेकर के शाम तक काम कर रहे हैं उसमें कितनी बार रेस्ट इंटरवल मिलेगा और कितनी कितनी देर का मिलेगा. तो ये था फटीक स्टडी. अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देयर इज ऑलवेज नीड फॉर अ रेस्ट इंटरवल. तो टेलर ने ये चीज सजेस्ट की थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब ये चीज स्टडी में उन्होंने बताई कि थोड़ी थोड़ी देर पर उनको इंटरवल देना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए देना चाहिए, और इट शुड बी मतलब 2 बार 3 बार जो भी है वो उन्होंने अपनी साइंटिफिक स्टडी में बताई थी, ताकि लेबर्स बार बार काम करके थके नहीं, वो थोड़ा रेस्ट करके एनर्जेटिक फील करें और इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करें. अगला तो मेथड स्टडी. मेथड स्टडी में हम ये कह सकते हैं द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और द वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो मेथड स्टडी में इन्होंने बोला है कि सबसे पहली चीज मेथड स्टडी में कहते हैं कि एक मेथड जो बेस्ट मेथड है किसी भी काम को करने के लिए, उस मेथड को आप फॉलो करेंगे और उस मेथड के बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, जो भी आप काम करोगे उसे इस बेसिस पे करोगे कि द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम, जो मेथड आप चूज करोगे जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम रहेगी और मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसको हम ये कह सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मेथड स्टडी कम से कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में, कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में आप जिस काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर रहे हो आपका मेथड स्टडी हो गया. टाइम स्टडी की बात करें तो टाइम स्टडी में बोला गया कि एक निर्धारित टाइम, मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल ये है कि अगर आपको एक पेज लिखने में 5 मिनट लगता है, तो ये पता कैसे किया, ये पता ऐसे चला कि हमने बार बार ये साइंटिफिक टेक्निक है, तो इट इज बेस्ड ऑन कॉजल एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स. तो बार बार एक्सपेरिमेंट करके ये पता चला कि एक पेज लिखने में 5 मिनट लगता है. तो ऐसे उन्होंने टाइम स्टडी में हर एक काम को करने के लिए टाइम डिवाइड कर दिए. तो इसमें हम कह सकते हैं दिस टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी. एक काम को द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, टाइम स्टडी में एक जॉब को करने के लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम होगा वो पता लगा लिया. दूसरा कह रहे सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स. उस अब एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटे लगते हैं और एक वर्कर 1 दिन में 8 आवर्स काम करता है, तो इससे ये भी पता चल गया कि 1 दिन में वो 8 यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा. तीसरा ये कह सकते हैं कि डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब. अब इसके बेसिस के ऊपर आप अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने गोल को अचीव करने के लिए कितने वर्कर्स की जरूरत है आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. और लास्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशियंट एंड इन एफिशियंट कैटेगरीज. अब जो भी वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स की भी 2 कैटेगरीज होती है, तो एक होते हैं एफिशियंट जिनको अच्छे वेजेस मिलते हैं और एक होते हैं इन एफिशियंट जिनको इनके कंपेरेटिव थोड़ा कम पे दिया जाता है. ये था टाइम स्टडी. अगला है मोशन स्टडी. अब अगर मोशन स्टडी की बात करें, दो जो साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मोशन स्टडी इज कंडक्टेड और द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडीज आर एज फॉलोज. सबसे पहला टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग अ जॉब. मोशन स्टडी का मतलब काम करके कोई ऐसा तो वेस्टफुल मूवमेंट तो नहीं हो रहा जिससे जो वर्कर्स है वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनको थकावट आ जाती है और वो अपना 100% नहीं दे पाते हो. तो मोशन स्टडी में जो वेस्टेज मूवमेंट होते हैं जिसमें इंसान जल्दी थक जाता है, उस मूवमेंट की बात हो रही है. तो ये स्टडी की गई थी इस टेक्निक में, इन्होंने डिटरमाइन किया कि वर्कर्स
किसी काम को करने के लिए उनको कितना मूवमेंट करने की जरूरत है। दूसरा ये कह सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, की जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें कितना प्रोडक्टिव है और कितना अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, इससे भी पता चलता है। फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स, तो मोशन स्टडी के लिए लगाया किया जाता है सीसीटीवी कैमरा, और जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा में उनको मॉनिटर करते रहते हैं कि कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो अनप्रोडक्टिव है, और उस मूवमेंट को, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को स्टडी करके, वेस्टफुल मूवमेंट को स्टडी करके कट डाउन करते हैं कि आज से आप ऐसे मूवमेंट्स नहीं करेंगे, आपको बेस्ट मेथड ये है जिससे आप इजिली अपने काम को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो ये मोशन स्टडी में बात सामने आई। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं टू डिजाइन सूटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ वर्कर्स। मोशन स्टडी से ये बात सामने आई कि हम ऐसे कोई टूल्स को डेवलप करें जिससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट न हो और इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम किया जा सके। अगला डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, अभी यहाँ पे हमने बताया था कि वर्कर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एफिशिएंट वर्कर्स थे और एक इनएफिशिएंट वर्कर्स थे। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो इस बेसिस पे है, इसको एग्जांपल के बेसिस पे समझते हैं कि मान लीजिए एक फैक्ट्री में एक दिन में एक वर्कर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है और पर यूनिट की कॉस्ट है 50 रुपीज, तो अगर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिया तो टोटल कितना अर्न करेगा, 500 रुपीज। लेकिन अगर कोई 10 यूनिट से, ये स्टैंडर्ड टाइम में एक वर्कर काम करता है 8 घंटे में वो 10 यूनिट बनाता है, लेकिन अगर 8 घंटे में वो 10 यूनिट से कम प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मान लीजिए 8 यूनिट्स प्रोड्यूसिंग, तो उसको जो पैसे मिलेंगे वो 40 रुपीज के हिसाब से मिलेंगे, 8 × 4 = 320। तो उसको ये हो गए इनएफिशिएंट वर्कर्स, ये स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, ये इनएफिशिएंट हो गया। और अगर कोई 12 यूनिट्स बना देता है तो उसको 60 रुपीज के हिसाब से पे किया जाएगा, तो वो एफिशिएंट हो गए, तो ये 720 उनको मिल जाएगा। आप देखिए कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, कि अगर 8 यूनिट से अगर 12 यूनिट्स चार और यूनिट बना दिए तो 320 का जस्ट डबल से भी ज्यादा, 400 रुपए ज्यादा एडिशनल मिल रहा है। तो ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब ये डिवीजन इसलिए कि इनएफिशिएंट इनको देख के मोटिवेट रहे हैं एफिशिएंट को, और एफिशिएंट खुद को प्राउड फील करें, मतलब इस बेसिस पे मोटिवेटेड फील करें कि इनको इनके कंपेरिन इनएफिशिएंट के कंपेरेटिवली इनको ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि द साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एम्फेसिस ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम इंसिस्ट ऑन पेइंग डिफरेंट रेट्स ऑफ वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉइज विल मोटिवेट देम टू रिमेन एफिशिएंट, और जो इनएफिशिएंट हैं वो इनको देख करके मोटिवेट होंगे। लास्ट वन इज मेंटल रिवॉल्यूशन। अब मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, जो साइंटिफिक टेक्निक है मेंटल रिवॉल्यूशन की, उसने किस चीज पे इंसिस्ट किया, चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो फैक्ट्री के अंदर ये जो दो डिपार्टमेंट की बात की जा रही थी, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इन दोनों की आपस में कई बार बनती नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को हारमोनी के साथ रहते नहीं। तो मेंटल रिवॉल्यूशन में बोला गया था कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट के साथ अच्छे से रहे और मैनेजमेंट प्रोडक्शन के साथ हारमोनी के साथ रहे, पीसफुली रहे। तो चेंज इन मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि मैनेजर्स वर्कर्स को गुड फॉर नथिंग समझते हैं और मैनेजर्स वर्कर्स जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट के बारे में ये सोचते हैं कि ये हमसे जरूरत से ज्यादा काम कराते हैं और हमें प्रॉपर पैसे भी नहीं देते, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट ही रहते हैं। तो मेंटल रिवॉल्यूशन की बात ये होती है कि ये दोनों मिलजुल करके आपस में रहें। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट वर्कर्स को कोऑपरेट करे, वर्कर्स मैनेजमेंट को कोऑपरेट करे। और तीसरा रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग। तो अगर सिस्टमैटिक थिंकिंग आ जाए तो दैट इज मच बेटर ना। तो ये थे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट विच वॉज प्रोपाउंडेड बाय टेलर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।